क्या लग जाएगा डीजल वाहनों पर बैन। ये खबर दिन पे दिन तेज़ी पकड़ रही है। अब ये बैन कब तक और क्यों लगेगा, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानी मी। भारत में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने तेल मंत्रालय के तहत एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। सोमवार को इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि देश में 2027 तक डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर बैन लग जाना चाहिए, फोर व्हीलर व्हीकल्स पर प्रतिबंध लगाया जाए। समिति के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इनकी जगह बिजली और गैस से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रोड पर जो डीजल व्हीकल चल रहे हैं वो बिल्कुल रोड पर बैन हो जाएंगे। डीजल व्हीकल मार्केट में अवेलेबल होना बैन हो जाएंगे। अभी जो भी डीजल व्हीकल्स रोड पर चल रहे हैं वो अपने लाइफ स्पैन यानी कि 10 साल पूरे होने तक रोड पर अलाउड रहेंगे, लेकिन 10 साल के बाद उनका कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा और ना ही 2027 के बाद आप कोई भी डीजल गाड़ी खरीद सकते हैं। आगे डीजल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर नहीं करे जाएंगे, जैसे सब लोगों को CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट करना होगा। ये फैसला सीधे सीधे पॉल्यूशन को कम करने के लिए और CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए करा गया है। हालांकि दामों की तरफ ध्यान दिया जाए तो पेट्रोल डीजल और CNG में ज़्यादा फर्क रहा नहीं। इसका सीधा असर हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ेगा। नेचुरल गैस यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, जिससे कि अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग पे ही फर्क पड़ेगा। होपफुली इस फैसले से हमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर दिखे। हालांकि इस फैसले पे अभी सिर्फ विचार करा जा रहा है, पर हो सकता है आने वाले टाइम में हमें इसको लेके कोई बड़ा फैसला सुनने को मिले। बड़ा फैसला जब भी आएगा हम आपको इस चैनल पर अपडेट कर देंगे। ऐसी और न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ हम टाइम टू टाइम ऐसी न्यूज़ डालते रहते हैं।